हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ धनिया कैसे उगाएं जैसे कि जल्दी उग जाए। तो आप लोग देखिए, मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, देखिए अच्छा से, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये है मिट्टी और ये है गोबर खाद, तो ये दोनों को मैं मिक्स करूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ अपने गार्डन से मिट्टी लीजिए या फिर बाहर से मिट्टी मंगा लीजिए अगर आपका गार्डन वार्डन नहीं है तो, और गोबर खाद मंगाइए। देखिए 60% मिट्टी है और ये 40% गोबर खाद, और दोनों को मिक्स करूँगी और मैं एक गमले में भरूँगी और उसी में इसको मतलब धनिया को डाल दूँगी। देखिए किस तरह से, अब देखिए इसको इस तरह से रख दूँगी मैं, और इसके बाद इसको थोड़ा सा इस ये मार्बल का टुकड़ा है उसी में इसको दबा दबा के इस तरह टुकड़ा टुकड़ा कर दूँगी। ये देखिए जो धनिया है ये दो दो टुकड़ों में हो गया, आप लोग देख सकते हैं किस तरह हो गया है दो दो टुकड़ों में। अब मैं ये मिट्टी और ये गोबर खाद दोनों मिक्स करूंगी। देखिए इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह आप भी कर लीजिएगा और अच्छा से मिक्स करके गमला में भर लीजिएगा और फिर लगाइए धनिया। थोड़ा सा बालू का भी ज़रूरत होता है इसमें, दिखाऊंगी मैं आगे। ये देखिए मैंने गमला में भर लिया है मिट्टी। अरे हाँ, इसमें जो मैंने होल बनाया है वो तो आप लोग को दिखाया ही नहीं, खैर कोई बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि प्लास्टिक का ये गमला है तो इसमें कोई भी चक्कू छुरी जो भी है आपके पास उससे उसको गर्म कीजिए, और गर्म करके और इधर 4-5 होल बना लीजिए। इसमें मैंने 6 होल किए हैं, तो और होल बनाने के बाद नीचे थोड़ा सा कोई भी अखबार हो, कोई भी कूट या फिर कोई पौधा का पत्ता होता हो थोड़ा सा डाल दीजिए, उसके बाद ये मिट्टी डालिए। और मिट्टी डालने के बाद देखिए अब इस तरह से आप इस धनिया को लगा सकते हैं। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, ये धनिया पूरा मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर हल्के हल्के ये बालू दे देंगे, बस ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा देंगे, नहीं तो ज़्यादा दे देने से दब जाएगा। और मिट्टी थोड़ा भारी होता है, ज़्यादा पानी लेता है, तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि बिच्चा उसी में चिपक जाता है, दबा रह जाता है तो निकलने में लेट हो जाता है, तो लोग बोलते हैं बिच्चा नहीं निकल रहा, जम नहीं रहा, अच्छा नहीं है, इसलिए ये बालू अगर दे देते हैं तो जल्दी निकल जाएगा बिच्चा और जल्दी से आपका धनिया तैयार हो जाएगा खाने के लिए। ये देखिए मैं किस तरह से दे रही हूँ, इसी तरह से हल्का, बस हल्का देना है, ज़्यादा नहीं, पूरा ढकना भी ज़रूरी नहीं है, हल्का हल्का भी ढक जाए तो चलेगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह दे रही हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरह से दे देना है। देखिए अब मैंने चारों तरफ से बालू डाल दिया है। अब इस तरह का एक आपके पास पंप है तो सही है, इसी से इस तरह से हल्का पानी इसमें डाल दीजिए। देख सकते हैं किस तरह मैं डाल रही हूँ, अगर इस तरह का नहीं है आपके पास तो बाल्टी से भी इस तरह पानी लेके और इस तरह हाथ से ऐसे ऐसे छिटक सकते हैं, हल्के हल्के, ज़्यादा हल्के हल्के इस तरह से छिटक दीजिए। और बस
ये हो गया रेडी। अब इसको रख दीजिए छांव में, जब निकलने लगेगा मतलब जमने लगेगा बीज तब इसको धूप में रखिएगा और डेली हल्का पानी दीजिएगा इसी तरह से छिटक के। और देखिए फिर एक से डेढ़ महीना में आपको खाने लायक धनिया रेडी हो जाएगा। ये देखिए 12 दिन बाद, आज 12 दिन हो गए मेरे धनिया को लगाए हुए। अभी धूप में रखने के कारण देखिए इसका भी डिसकलर हो गया है, कलर थोड़ा चेंज हो गया है गमला का, और ये भी इतना बड़ा बड़ा हो गया है। इसको मैंने 6 दिन तक छांव में रखा था और उसके बाद मैंने धूप में रख दिया, जब निकलने लगा 6 दिन के बाद ही थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और साथ में ये देखिए एक और गमला है, इसमें मैंने इससे 2 दिन बाद लगाया था, मतलब ये 10 दिन पहले का है और ये 12 दिन पहले का है। तो देखिए ये कितना अच्छा हो गया है और इसमें अभी पूरा नहीं निकला है, इधर का बिच्चा अभी दबा हुआ है, अभी नहीं निकला है, निकल रहा है, निकलना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर हुआ है। तो इसी तरह आप लोग भी लगाइए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं और भी जानकारी लेके आऊँगी। थैंक यू।